इंडिया में जो आपको ठप्पा लगता है वीजा का, वो सिर्फ 3 महीने का लगता है। यहाँ अगर आपको उसे रिन्यू कराना, आपके पास IRP नहीं है और PPSN नहीं है, तो आप पार्ट टाइम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक्टिवेट करके सीधा कॉल करो PPSN और IRP। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइलैंड आगे सबसे पहली चीजें क्या करनी चाहिए ताकि बाद में पार्ट न लगे। तो जैसे ही आप इंडिया से यहाँ पर आओगे, जैसे ही आप लैंड करोगे, सीधा आप लो सिम कार्ड अपनी, सिम कार्ड लो अपनी, और सिम कार्ड आप ले सकते हो टेस्को की, या 48 वाला आता है एक, इनका बढ़िया प्लान है, या फिर 3 की। ये ले लिया आपने, सबसे पहले ये ले लो पहले दिन में ही। इनके लिए कुछ चाहिए नहीं होता डॉक्यूमेंट जैसे इंडिया में चाहिए होते हैं, अपना आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, यहाँ जाओ सीधा शॉप में जाओ, ले लो सीधा जाकर सिम ले लो, और एक्टिवेट करके सीधा कॉल करो PPSN और IRP के अपॉइंटमेंट लेने के लिए। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आपने अगर कर लिया बुक, तो आपकी 15 दिन में अपॉइंटमेंट आ जाता है, 2 हफ्ते में मैक्स, नहीं तो भाई वार्ड लग जाती है, सीधा मिलता है एक दो कितना 1.5 महीना 3 महीने के बाद। और अगर आपके पास IRP नहीं है और PPSN नहीं है, तो आप पार्ट टाइम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई सीधा आके सिम कार्ड लो, बुक करो PPSN और IRP। IRP क्या है? IRP होता है आपका वीजा एक्सटेंशन। यहाँ अगर इंडिया में मिलती है आपको सिर्फ 3 महीने की, 3 महीने की वीजा। इंडिया में जो आपको ठप्पा लगता है वीजा का, वो सिर्फ 3 महीने का लगता है। यहाँ अगर आपको उसे रिन्यू कराना पड़ता है, 1 साल का वो खिंच जाता है फिर, और उसको 3 महीने के अंदर अंदर रिन्यू कराना होता है। तो भाई बिना IRP के जॉब वॉब भी नहीं लगती मिलती, मतलब ये पार्ट टाइम वाली। तो आप IRP करो, PPSN होता है आपका यहाँ पर समझो पैन कार्ड, तो उसके बिना भी पार्ट टाइम मिलती। तो आप लो ये दोनों लो, फोन सिम कार्ड PPSN बुक करो और IRP बुक करो। बुक कैसे करो? गूगल पे लिखो, कॉल करो सीधा डायरेक्ट और मार दो। और PPSN और उसके लिए चाहिए होगा आपका कॉलेज से आपका वो लेटर, लेटर चाहिए होता है, नाम भूल रहा हूँ कौन सा लेटर, पर वो आपको खुद पता चल जाएगा कॉलेज में आकर। वो जो कोई लेटर होता है कि आपने एनरोल कर लिया है इस कोर्स में, तो वो लेटर चाहिए होता है PPSN के लिए। तो भाई ये लो, और क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट खोलो। बैंक अकाउंट कहाँ खोल सकते हो? AIB में, घर बैठे बैठे ऐप डाउनलोड करो, AIB से बैंक स्टूडेंट अकाउंट खुल जाता है घर बैठे बैठे। पासपोर्ट चाहिए होता है उन्हें बस, और तुम्हारा ये ऑफर लेटर है ये सब कॉलेज का। तो ये करो, कौन सी सिम, PPSN, IRP, बैंक, चार चीजें सबसे पहले आके कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है काफी, ठीक है? और तो बस यही कर लो, और कुछ हो तो कर देना DM या कमेंट जो भी करना।